हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आज की वीडियो में हमारे पास ये कार है, ये एक आरसी ब्रशलेस मोटर आरसी कार है, ठीक है। इसको हम एक ड्रिफ्टिंग कार में तब्दील कर देंगे, ठीक है। इसको ये इसका ESC है 120 एम्पियर, ठीक है। और ये 2300 KV का मोटर है इसका, ठीक है। 1/8 स्केल, और नहीं ये 1/10 स्केल है, ठीक है। और ये 4x4 है सस्पेंशन के साथ, ठीक है। काफ़ी ज़बरदस्त है। ये रहे हमारे ड्रिफ्ट टायर्स, ठीक है। प्लीज़ यार, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की, ठीक है। थैंक यू। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। पहले इसको खोलते हैं, ठीक है। इसको खोलने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये टूल्स, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो नट लगे हैं ना वो इसी से खुलेंगे, ठीक है, ये टायर को निकालने के लिए। तो चलें इसको खोलते हैं। तो इस पे जो टूल लग रहा है वो 7 mm का लग रहा है, ठीक है, 7 mm का। ये नट खुल गया हमारा, वो ये फिलहाल लगा देता हूँ मैं, बाद में इसको सारे खोल के फिर लगा देंगे इसे, ठीक है, निकाल देंगे इसे, ठीक है। ये बचा है लास्ट वाला, ये सारे नट्स मैंने खोल दिए हैं, ठीक है, ये निकाल दिए मेरे नट्स, ठीक है, ये रहे। तो अब सारे टायर्स निकालते हैं, ठीक है, फिर उसकी जगह पे ये हम लगाएंगे। ये रही ये सीज को मैंने निकाल दिया फिलहाल, अभी टायर निकालते हैं, ठीक है। ये टायर निकाल दिया, ठीक है। ये रही हमारी गाड़ी, ये एक नट है, ठीक है। सस्पेंशन, तो अब क्या करते हैं हम, ये ड्रिफ्ट टायर इसमें लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ड्रिफ्ट टायर बन जाएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मैं इसकी सफाई कर देता हूँ। ये ऑफ रोड कार है, तो ऑफ रोड में थोड़ी सी सफाई का मसला होता है, वो ऑफ रोड चलाते हैं तो फिर मिट्टी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी ये टायर्स लगाते हैं इसमें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू, ठीक है।
गया हमारा, बन गया ठीक है। अब ये ड्रिफ्ट कार में तब्दील हो गया, क्लियरेंस भी थोड़ा सा नीचे हो गया पहले के नस्बत। मैंने कहा हार्ड टायर से, हाँ ये बिल्कुल रबड़ नहीं है इस, ये इनकी तरह नहीं है बिल्कुल ठीक है, ये हार्ड है। अभी क्या कहते हैं इसको चला के देख लेते, मगर यार एक मसला है मेरे साथ की जो मेरा ट्रांसमीटर है ना उसका रिसीवर, ये रहा ये रिसीवर इसका जल गया है ठीक है। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगता है वो भी उड़ गया, पूरा जल गया था। तो ये अभी तक मैंने रिपेयर नहीं किया, पता नहीं रिपेयर होगा भी नहीं। तो जब भी मेरे ट्रांसमीटर का बंदोबस्त हो जाएगा ना तो इसको चलाने का भी एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा ठीक है। ट्रांसमीटर में इसके साथ जो यूज़ कर रहा हूँ वो फ्लाई स्काई का ठीक है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल काम नहीं कर रहा। तो इस वजह से ना इसको मैं फ़िलहाल चला नहीं पा रहा, तो देखते हैं आगे क्या होता है। इंशाल्लाह मैं ड्रिफ्टिंग पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी पसंद है मुझे ड्रिफ्टिंग, खास कर इसके। इससे पहले एक वीडियो मैंने ड्रिफ्टिंग पे बनाई है, वो भी मतलब मौजूद है यूट्यूब चैनल पे, आप मेरे देख सकते हैं। वो मैं उसका ना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ठीक है, वहाँ से ना आप इसकी ड्रिफ्टिंग वाली जो है ना वीडियो देख सकते हैं ठीक है। उसमें भी मैंने फ्लाई स्काई FST-9X चैनल वाला जो ट्रांसमीटर है ना उसको यूज़ किया है, सेम यही वाला है। लेकिन अभी इसका रिसीवर जल गया है तो इसको मैं टेस्ट नहीं कर पा रहा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।